ढेर सारे अवैध पटाखों के साथ एक युवक गिरफ्तार। अवैध रूप से घर घर के अंदर से 40 पटाखों के डिब्बे के साथ एक युवक पकड़ा गया। थाना सीसामऊ को मिली सफलता। आज मुखबिर की सूचना पर थाना सीसामऊ की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए द्वारकापुरी निवासी रवि गुप्ता के घर की गई छापेमारी। लगभग 40 पेटी पटाखे बरामद। रवि गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रवि गुप्ता के पास वर्ष 2019 तक का ही लाइसेंस था। इसके बाद लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ था। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये थाना सीसामऊ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारकापुरी जो क्षेत्र जो एक कॉलोनी पड़ती है वहाँ पे किसी घर में एक्सप्लोसिव की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली है हमारी टीम तत्काल मौके पे गई है और वहाँ जाके जो वहाँ जांच पड़ताल की है तो वहाँ पे जो पटाखे मिले हैं दिवाली के ये लगभग 40 पेटी पटाखे हैं जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो घर था वो रवि गुप्ता का घर था। इनका जो लाइसेंस था वो 2019 तक का था, उसके बाद इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो इसमें पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर इसमें जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। सर, किसी की अभी गिरफ्तारी हुई है या कोई ऐसा है जो जिसकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये जो लाइसेंस था वो रवि गुप्ता के नाम पे पूर्व में रहा था लेकिन अब इसका रिन्यूअल नहीं हुआ था। तो अभी रवि गुप्ता को हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की करके इसमें जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी हमने इसका आकलन नहीं किया है। लगभग 40 पेटी पटाखे हैं अलग अलग तरह के। अब जैसा भी इसका मूल्यांकन के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।